देख रहे हैं जनमत आवाज बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी के जनसंपर्क के दौरान महिला मतदाता का फूटा गुस्सा। सुमित्रा काजडेकर को सुनाई खरी खोटी। कहा, पहले भी कई बार राशन कार्ड के लिए चक्कर लगाना पड़े थे किंतु आज तक हमारा राशन कार्ड तक नहीं बनवा पाए और आज फिर वोट मांगे आ गए। जिस पर सुमित्रा काजडेकर पलटकर महिला को कहने लगी कि पहले कमलनाथ की सरकार थी जिन्होंने कोई काम नहीं किया था किंतु अब भाजपा की शिवराज सरकार है, सब काम होंगे। इस प्रकार आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आई भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा काजडेकर सरकार के नाम पर वोट मांगती नजर आई। सुमित्रा काजडेकर जनता में इस प्रकार आक्रोश, ये कोई पहली बार नहीं, इसके पूर्व भी कई बार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुके हैं। इस बार भी इस प्रकार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुमित्रा देवी ने 15 महीने में कोई काम नहीं किया और अब बीजेपी के सिखाने पर अच्छा काम हुआ तो कमलनाथ सरकार ने किया, खराब काम हुआ तो कमलनाथ सरकार ने किया का राग अलाप रही है। उधर इस वीडियो के आने के बाद बैकफुट पर आई बीजेपी कह रही है। सुमित्रा देवी का कहना ये है, कमलनाथ सरकार ने संबल योजना बंद कर दी थी जिससे कई बीपीएल कार्ड बेकार हो गए। पहले आते नहीं कुछ करा था, आप क्या करने नहीं है बता? क्या है कारण बना बोलने का? बना के थक गए इनको बोल के, किन्हें कारण नहीं बना किया? चार बार इनके घर में रहेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। आप क्या चालू करेंगे? वो तो खुद हमने चालू कर लिया, चालू कर दिया चुनाव हो गया ना। कोई कमलनाथ की सरकार में मैं भी थी, जो जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं हुए। इसने तो भाभी आई है, ढूंढा भी नहीं। शिवराज मामा भरोसा नहीं है क्या? शिवराज मामा भरोसा नहीं है? वादा नहीं करता कोई पूरा। क्या कुछ नहीं होता, गरीब होता, कुछ भी नहीं होता। वोट मांग ले चले जाते बस। सुमित्रा काजडेकर का एक वीडियो वायरल होना सोशल मीडिया पर, उसमें खेतग्राही बोल रहे कि तुम हमारा राशन कार्ड नहीं बना बीपीएल का, बड़े गुस्से के लहजे में बोल रही है कि आप हमने हमारा राशन कार्ड नहीं बनाया। तो उसमें सुमित्रा काजडेकर एक ही बात बोल रही कि कमलनाथ सरकार ने कोई भी काम नहीं। तो क्या एक राशन कार्ड नहीं बनने में भी कमलनाथ सरकार का है? ये देखिए, सुमित्रा काजडेकर पूर्ण रूप से सिर्फ एक ही काम में इस क्षेत्र में 15 महीने से लगी रही थी, जिससे कि उनको क्षेत्र के प्रति कोई, जनता के प्रति कोई उनकी जवाबदेही उन्होंने पूर्ण नहीं की। राशन कार्ड बनाने की जब बात होती है तो वो तो गांव का सचिव और विधायक, इन लोगों का अपने काम होते हैं कि अधिकारी कर्मचारियों से बोलकर जो हितग्राही जो वाकई में उस बेचारा उस कैटेगरी में आता हो उसको मिलना चाहिए। और ख़ासकर हमारे केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह जी थे तो उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के सभी लोगों को राशन कार्ड बीपीएल कार्ड के लिए अधिकार दे दिया था, खाने का फूड का अधिकार था। तो ये तो अपने नाकामी छुपाने के लिए और एक ही बात रटा दी है। इनको कुछ समझता है नहीं, कुछ बोलना आता नहीं है। इनके जो फर्जी दस्तावेजों को लेकर, जो फर्जी कामों को लेकर, जो पूरे क्षेत्र में इनकी बदनामी हो रही है और जो इन्होंने काम किया है, तो भाजपा के लोगों ने एक ही बात समझा दी है कि आप तो एक ही नाम लो, अच्छा हो तो कमलनाथ, बुरा हो तो कमलनाथ। तो कमलनाथ की जो ये गाथा गा रहे हैं तो ये अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि कमलनाथ ही है जो क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, इसलिए इनके मुँह से कमलनाथ ही बार बार निकल रहा है। देखिए, जब कमलनाथ सरकार जब से बनी, आप भी देख रहे हैं, जनहितैषी योजनाएं बंद होना शुरू हो गई। कई जगह संबल योजना बंद होने से भी राशन कार्ड पे उसका इफेक्ट आया। संबल योजना बंद होने से गरीबों की कई सारी योजनाओं पे उसका इफेक्ट आया। एक योजना नहीं, अनेकानेक योजनाएं। अब आप ही आप देखिए कि कमलनाथ जी ने कहा था 51,000 रुपये हम शादी पे विवाह पे देंगे, कहाँ दे पाए? जो तो कमलनाथ जी जनहितकारी योजनाओं को बंद करते जा रहे थे, इसलिए उनने अब राशन कार्ड का विषय, वो क्या विषय वो आप बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे हमारे प्रधानमंत्री आवास की बात निकले, प्रधानमंत्री आवास का पैसा केंद्र सरकार भेज रही है और राज्य सरकार अपना हिस्सा नहीं, हिस्सा उसमें दे नहीं रही है, जो लोगों को नहीं मिल रहा है। तो लोगों को ये नुकसान तो हुआ ही है कमलनाथ सरकार आने के बाद। कहने वाला भी है कि जो हितग्राही है, जो शिकायत है मेरा राशन कार्ड नहीं बना, तो ये तर्क कहाँ तक सही है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे इसलिए आपका राशन कार्ड नहीं बना? नहीं, मुझे नहीं मालूम कहाँ उन्होंने ये बोला है या बता रहे हैं, लेकिन उनका बोलने के पीछे भाव यह होगा
कि कमलनाथ की सरकार आने के बाद कई सारी गरीबों की योजनाएं बंद हुई, गरीबों को कई सारी योजनाओं को वंचित रहना पड़ा। नहीं ये आप बता रहे कि ऐसा कुछ बोला उन्होंने, मैं जानकारी लूंगा, लेकिन कोई मुख्यमंत्री राशन कार्ड नहीं बना था, लेकिन